हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे अपन। मैट्रिक्स में मैं काफ़ी सारी थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब अपन कुछ एक्सरसाइज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज हम कर रहे हैं सबसे पहले NCERT एक्सरसाइज 3.1 का डिस्कशन। तो आप लोग सभी लोग अपनी NCERT निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3.1 विथ सॉल्ड एग्जांपल्स अपन इसको करेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं सॉल्ड एग्जांपल नंबर 1। तो निकाल लीजिए भाई सॉल्ड एग्जांपल नंबर 1। हाँ भाई, सॉल्ड एग्जांपल नंबर 1 देखें अपन। सॉल्ड एग्जांपल नंबर 1, सॉल्ड एग्जांपल नंबर 1 में है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द 3 फैक्ट्रीज। क्या कह रहे हैं, हमारे पास 3 फैक्ट्री हैं। फैक्ट्री नंबर 1 है, फैक्ट्री नंबर 2 है और फैक्ट्री नंबर 3 है। इन फैक्ट्री 3 फैक्ट्रीज में मैन वर्कर्स और वुमेन वर्कर्स के बारे में कुछ बोला गया है। ये दिया हुआ है मैन वर्कर्स और ये दिया हुआ है वुमेन वर्कर्स। पहली वाली फैक्ट्री में जो मैन वर्कर्स हैं वो हैं 30 और वुमेन वर्कर हैं वो हैं 25, और दूसरी वाली फैक्ट्री में जो मैन वर्कर हैं वो हैं 25 और जो वुमेन वर्कर हैं वो है 31, और तीसरी वाली फैक्ट्री में जो मैन वर्कर हैं वो हैं 27 और वुमेन वर्कर हैं 26। हमसे बोला गया है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। क्या करना है इसको, इसको एक 3x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट इट इन 3x2 मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये बोला गया है कि ये जो है इसको 3x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, जैसे ही 3x2 मैट्रिक्स बोला गया, हम उसका नाम मान लेते हैं, मान लीजिए ए है। तो 3x2 मैट्रिक्स का मतलब है रो तो 3 होंगी, रो 1, रो 2 और रो 3, और कॉलम 2 होंगे C1, C2। कुल मिला के जो है इस तरीके से होगा। तो अपन देखें 2 क्या दिया हुआ है और 3 क्या दिया हुआ है। वो तो भाई 3 तो ये फैक्ट्रीज दी हुई हैं और 2 ये मैन वुमेन दिया हुआ है, मतलब ये तो दिया ही हुआ है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला मैट्रिक्स होगा। दिस इज़ द आंसर। ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर अपन देखें तो 3 रोज़ हो रही हैं, 1, 2, 3 और 2 कॉलम हो रहे हैं। तो अपन इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3x2 के मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्या बोला गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो हमें अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, एक अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इक्वल टू 8 है तो ऐसे कितने उनकी ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एम है, तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन इंटू एम ही होते हैं। मतलब अगर 2x3 का एलिमेंट मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 6 होंगे, 2 इंटू 3। अगर 5x2 का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 इंटू 2 होंगे। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1x8 हो सकता है, 2x4 हो सकता है, फिर आ जाओ 3x तो कुछ होगा नहीं, 4x2 हो सकता है और 8x1 हो सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर, इतनी ऑर्डर हो सकती है भाई साहब, सही है। तो लिख लें भाई दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 हो गया। अब सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 के बाद आप आएँ सॉल्व एग्जांपल नंबर 3। सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 देखिए। सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 जो है, देखिए
कंस्ट्रक्ट आ 3x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट आ 3x2 मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है? 3x2 का मैट्रिक्स है, और सच डेट ए आई जे इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ i-3j। अब देखो भाई, अगर हमारे पास क्या है 3x2 का एक मैट्रिक्स है तो उसमें रो कितनी होंगी? 3 रोज होंगी, रो 1, रो 2 और रो 3, और कॉलम कितने होंगे? 2 कॉलम होंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स देखूं तो एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? ये पहला एलिमेंट क्या होगा? a11, दूसरा क्या होगा? a12, दूसरा होगा a21, फिर ये क्या होगा? a22, फिर ये क्या होगा? a31, और ये क्या हो जाएगा? a32। कुल मिला के हमारे पास 6 ऐसे एलिमेंट होंगे। तो हमें करना क्या है, ए आई जे हमें दिया है तो हमें आई और जे की वैल्यू पुट करके ये 6 के 6 एलिमेंट निकालने हैं, और उन एलिमेंट्स की वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर अपन देखें, हमारे पास ए आई जे की जो वैल्यू है वो है 1/2 इंटू मॉड ऑफ i-3j। तो अगर मैं a11 निकालता हूँ तो a11 की वैल्यू हो जाएगी, जब मैं i की वैल्यू 1 पुट करूँगा और j की वैल्यू 1 पुट करूँगा, तो मैंने अगर i की वैल्यू 1 पुट करी और j की वैल्यू 1 पुट करी तो 1-3-2, -2 का मॉड +2, और 2/2 1, तो a11 की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो हमने a11 की जगह अपन 1 पुट कर देते हैं। फिर अपन निकालते हैं a12, है ना। a12 अगर अपन निकालें तो अपन i की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो i की वैल्यू 1 हो गई, और j की वैल्यू 2, तो ये 6 हो गया। 1-6-5, -5 का मॉड +5, तो ये हमारे पास आ गया 5/2। तो हम क्या करेंगे, a12 की जगह कितना पुट कर देंगे? 5/2 पुट कर देंगे। फिर अपन निकालेंगे a21, मतलब क्या करेंगे हम, i की वैल्यू 2 पुट करेंगे और j की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 2-3 हो गया -1, -1 का मॉड +1, +1 इंटू हाफ हो गया हमारे पास हाफ, तो a21 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आ जाएगी हाफ। फिर अपन निकालेंगे a22 में हम i की वैल्यू 2 पुट करेंगे और j की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2-6 हो जाएगा -4, -4 का मॉड +4, +4/2 हो जाएगा 2, तो हमारे पास a22 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे a31, अगर हम a31 निकालेंगे तो हम i की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3, और j की वैल्यू पुट कितनी पुट करेंगे अपन? 1, तो 3-3 हो जाएगा 0, तो a31 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0। फिर अपन a32 पुट करेंगे, तो a32 पुट करेंगे तो i की वैल्यू पुट करेंगे 3, और j की वैल्यू 2, तो 3-6 हो जाएगा -3, इसका मॉड +3, तो ये जाएगा 3/2, तो हमारे पास ये जाएगा 3/2, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो ये सॉल्व। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन लोग डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स में आज अपन पढ़ेंगे NCERT एक्सरसाइज 3.1 विद सॉल्व एग्जांपल। तो चलिए अपन उसका सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। तो निकाल लीजिए सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 अगर हम देखें तो हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, x, y, z। देखें हम जरा भाई, पहला मैट्रिक्स हमारे पास है x+3-6, b-3। दूसरा कॉलम है z+4, a-1 and -21। और तीसरा कॉलम है 2y-7, 0, 0। ये पहला मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 0, 6, 0, 6, 2b+4। ये पहला कॉलम है, 6-3, 21, 6-3 and 21, एंड 3y-2, 3y-2, 2c+2 और 0।
2z+2 और 0। अब यहाँ पे हम देखें तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, इसका भी ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी के लिए सबसे पहली कंडीशन यही होती थी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होनी चाहिए, और इन दोनों की ऑर्डर इक्वल है मतलब ये इक्वालिटी इनकी पॉसिबल है। अब अगर ये इक्वल होंगे तो क्या होगा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो x+3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अपन पुट कर देंगे इसका x+3 की वैल्यू 0, -6, अच्छा यहाँ भी -6 है, -6 = -6, b-3 = क्या हो जाएगा 2b+4। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी b-3 = हो जाएगा 2b+4, फिर z+4 = हो जाएगा 6, तीसरी इक्वेशन हो जाएगी z+4 = 6, a-1 = -3। तो ये हमारे पास हो जाएगा a-1 = -3, -21 = -21, ये दोनों इक्वल हैं। और फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी 2y-7 = 3y-2, 2y-7 = 3y-2, 0 = 2c+2, 0 = 2c+2 और 0 = 0। तो इनको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x, यहाँ से y, यहाँ से z, यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से c, 6 अननोन है, 6 के 6 की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आगे सॉल्व आपसे करते बन जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारे पास सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 के बाद हम एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 3.1 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले अपन देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है इन द मैट्रिक्स दिस, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट a1 3, दिस दिस दिस। चलिए लिखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हम कॉलम वाइज अगर बोलें तो 235 √3, 235 √3 ये तो पहला कॉलम है, 5 -2 and 1 ये दूसरा कॉलम है, 5 -2 और 1 ये दूसरा कॉलम है, 19 5/2 and -5, 19 5/2 and -5 ये तीसरा कॉलम है, एंड -7 12 and 17, -7 12 and 17 ये चौथा कॉलम है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। तो अगर हम इसके ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ 4, तो ऑर्डर 3x4 आ गए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट आर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, 12, लो भाई। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो हम ऑर्डर से ही निकाल सकते हैं, m × n, 3 × 4 मतलब 12 नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। इसके बाद बोला है राइट डाउन द एलिमेंट, थर्ड पार्ट इसका जो है बोला है राइट डाउन द एलिमेंट a 1 3 निकालो। तो 1 3 का मतलब 1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो ये है और थर्ड कॉलम ए है, तो a 1 3 की वैल्यू आ गई 19। a 1 3 के बाद बोला गया है a 2 1 निकालो, a 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये आ गया, तो ये हो गया 35। फिर आगे बढ़िए, बोला गया है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम मतलब a 3 3, तो ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो इसकी वैल्यू है -5। फिर उसके बाद आगे बढ़े, क्या बोला है a 2 4 और a 2 3, a 2 4 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम इसकी वैल्यू 12 है, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इस एलिमेंट की वैल्यू जो है वो 5/2 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना सॉल्व हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव राइट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो बेसिकली इसमें दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो पार्ट हैं। बोला गया है अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है पहला पार्ट, तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन को पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर है टू, अगर किसी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 24 हैं तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स के बारे में अगर हम बात करें तो 1 x 24 हो सकते हैं, फिर 2 x 12 हो सकते हैं, फिर 3 x 8 हो सकते हैं, फिर 4 x 6 हो सकते हैं, फिर 6 x 4 हो सकते हैं, फिर 8 x 3 हो सकते हैं, फिर 12 x 2 हो सकता है, फिर 24 x 1 हो सकता है। भाई कंसेप्ट ये होता है कि नंबर ऑफ़ रोज इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब m x n का अगर ऑर्डर है तो m x n उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। तो इसी कंसेप्ट का हमने यूज़ किया, इतने ऑर्डर इसके पॉसिबल हैं। ये अपने पास फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, आंसर नंबर 1। फिर इसका सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट ये बोला है अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट 13 है तो क्या ऑर्डर होगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट की वैल्यू 13 है तो ऑर्डर केवल दो पॉसिबल हैं, एक तो 1 x 13 और एक 13 x 1, और कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है क्योंकि 13 प्राइम नंबर है तो फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। सेम बिल्कुल एज इट इज़ सेकंड जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कंस्ट्रक्ट अ 2 x 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन एज ए आई जे इक्वल टू दिस दिस एंड दिस। फोर्थ के तीन पार्ट हैं बिल्कुल एक से एक पार्ट में बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट में बता देता हूं। एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है ए आई जे, इसका जो ऑर्डर है वो 2 x 2 का ऑर्डर है। 2 x 2 का ऑर्डर है मतलब हमारे पास दो तो इसमें रोज होंगी और दो कॉलम होंगे। अगर अपन देखें तो हमारे पास इसमें दो रो होंगी, रो 1 और रो 2, और दो कॉलम होंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो अगर एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास एक तो हो जाएगा A11, फिर हो जाएगा A12, फिर हो जाएगा A21, फिर हो जाएगा A22। 4 एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमारे पास इसमें गिवन है AIJ की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। इस वाले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में AIJ की वैल्यू गिवन है I+J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या गिवन है? I+J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम A11 निकाल लेंगे तो हम I की जगह ही 1 पुट कर रहे हैं, J की जगह ही 1 पुट कर रहे हैं, तो 1+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर 4/2 मतलब आ गया 2। तो A11 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। फिर अपन निकालेंगे A12 की वैल्यू, तो I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखेंगे, 1+2 का होल स्क्वायर y2, तो 9y2 जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 9y2। फिर A21 की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे, का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी 9y2 आ जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो 9y2। A22 हो गया 2+2 का होल स्क्वायर y2, तो 4 का स्क्वायर 16y2 मतलब हो गया 8, तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर आया ये आ गया 2, 9y2 और 8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे, बाकी दोनों पार्ट सेम ऐसे ही हैं, आपसे बन जाएगा, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे ही है, ए आई जे आपको दिया हुआ है तो आपको 3 x 4 के एलिमेंट निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएँ, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। 6 में तीन पार्ट हैं, इसमें क्या है दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हुए हैं तो हमें उनको कंपेयर करके एक्स जो अननोन है उनकी वैल्यू निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ 6 का सेकंड करवा देता हूँ आपको, 6 का सेकंड देखिए।
अगर मैं देखता हूँ सिक्स का सेकंड पार्ट, तो सिक्स के सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक्स प्लस वाई और फाइव प्लस जेड और टू एक्स वाई इक्वल टू है 6528 इक्वल टू है 6528। अब अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये कंपेरेबल तब होते हैं जब इनकी ऑर्डर सेम हो। तो इसकी भी ऑर्डर 2x2 की है, इसकी भी ऑर्डर 2x2 की है, तो दोनों कंपेरेबल हैं। कंपेयर करते हैं तो इसका पहला एलिमेंट x प्लस वाई और इसका पहला एलिमेंट 6, सेकंड एलिमेंट 2 और 2 बराबर है। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/x। ये y की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 8/x इक्वल टू 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी और x की वैल्यू 4 आएगी। जब x 2 आएगा तो y 8/2, तो y की वैल्यू 4 आएगी। जब x 4 आएगा तो y की वैल्यू 8/4, मतलब y की वैल्यू 2 आएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 0, या तो ये आंसर आएगा, या फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0, ये आंसर आएगा। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। सेम ऐसे ही जो है आपको इसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट भी करना है, और सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो आपको कंपेयर करना है, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू आ जाएगी। फिर है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, यहाँ a की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, और 3c प्लस d इक्वल टू 13, c की वैल्यू रखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 8th। 8th में बोला गया है कि अगर हमारे पास ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्या होगा, m और n दोनों इक्वल होंगे, बात खत्म, 8th हो गया। 9th है ये, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसिस इक्वल। तो ये दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। 3x प्लस 7 0 पुट कर देंगे, 5 इक्वल टू y माइनस 2 पुट कर देंगे, y प्लस 1 8 पुट कर देंगे, और 2 माइनस 3x 4 पुट कर देंगे। तो हमें दोनों x की दो इक्वेशन दी रहेंगी, दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर सेम वैल्यू आ रही तो ही कंपेरेबल होगा, नहीं तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कहा गया है 3x प्लस 7 और ये कहा है y प्लस 1, फिर बोला है 5 और ये कहा है 2 माइनस 3x। ये जो मैट्रिक्स है अगर ये इक्वल टू है तो 0 8 y माइनस 2 और 4, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ, तो अपन कंपेयर करते हैं तो 3x प्लस 7 की वैल्यू 0 आ जाएगी, 3x प्लस 7 की वैल्यू 0 आ जाएगी और 5 की वैल्यू y माइनस 2 आ जाएगी, और यहाँ से y प्लस 1 इक्वल टू 8 आ जाएगा, और यहाँ से 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस 7y3 आ रही है, और यहाँ से माइनस 3x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू माइनस 2y3 आ रही है। तो x की वैल्यू दोनों जगह से अलग अलग आ रही है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10 देखिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच इज एंट्री 0 एंड 1। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। चलिए ये नोट कर लीजिए, पहले 9th अपन 10th करते हैं। एक हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9, a11 a12 a13 a21 a22 a23
और A31, A32 और A33। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें केवल या तो हम जीरो पुट कर सकते हैं या वन, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो जाएगा, A11 के पास दो ऑप्शन है, आइदर जीरो और वन, उसके बाद मतलब मल्टीप्लाइड, A12 के पास दो ऑप्शन है, फिर A13 के पास दो ऑप्शन है, फिर A21 के पास दो ऑप्शन है, फिर A22 के पास दो ऑप्शन है, फिर A23 के पास दो ऑप्शन है, फिर A31 के पास दो ऑप्शन है, फिर A32 के पास दो ऑप्शन है, और A3 के पास दो ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास 2 का पावर 9 मतलब 5 बन 2 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो यहाँ तक अपन ने देखा एक्सरसाइज 3.1 जो है विथ सॉल्व एग्जाम्पल अपनी कम्प्लीट हो चुकी है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में।